नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा राठौर। आपका स्वागत करती हूं आज तक 24 न्यूज में। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज 28 अप्रैल सुबह 10:30 बजे देशभर में स्थित 51 आकाशवाणी के 100 वॉट FM ट्रांसमीटर का लोकार्पण किया, जिसमें बड़वानी भी शामिल है। आकाशवाणी भोपाल के उप महानिदेशक यशवंत और चिंबड़े ने बताया कि बड़वानी में FM रेडियो की फ्रीक्वेंसी 100.90 MHz पर चल रहा है। इस ट्रांसमीटर के जरिए मध्य प्रदेश के आकाशवाणी केंद्रों का और विस्तार होगा, जिससे स्थानीय जनता लाभान्वित होगी। इस दौरान आकाशवाणी विभाग व अन्य आम जनता व जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के कार्यक्रम का भी प्रसारण सुना गया है। जिला चीफ ब्यूरो शकील मंसूरी के साथ संजय बामिया की रिपोर्ट। शर्मा, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और आकाशवाणी का मैं बहुत पुराना श्रोता हूं, और इस क्षेत्र में ट्रांसमिशन सेंटर नहीं होने के कारण हम इसकी बहुत सारे प्रसारण से वंचित हो जाते थे। हम लोगों ने काफ़ी प्रयास करके ऊपर पत्र लिखे और आज केंद्रीय शासन के द्वारा बड़वानी जिले में एक FM रेडियो ट्रांसमिशन का उद्घाटन हुआ माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय के करकमलों से। क्षेत्र की जनता में एक खुशी की लहर आ गई है और इस आदिवासी क्षेत्र को बहुत सारी सुविधाएं इस आकाशवाणी केंद्र के शुरुआत होने से फायदा पहुंचेगा। मंडियों के भाव और खाद बीज और मौसम की जानकारी के साथ साथ मनोरंजन के ये भी एक बहुत अच्छी सुविधा हो गई हमारे क्षेत्र के लिए, जिससे कम खर्च में या बिना खर्च के रेडियो पर आप सारी चीज़ें सुन सकेंगे। मैं पुनः केंद्रीय शासन का आभार व्यक्त करता हूँ, जो इन्होंने एक पिछड़े आदिवासी जिले में यह सुविधा प्रदान करी। धन्यवाद। आप भी उस रोटर संघ को बताना कि मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ। और सफाई कर रहा है, टेक्निशियन कर रहा है, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश खंडेलवाल आज जो बड़वानी दूरदर्शन केंद्र में FM रेडियो ट्रांसमीटर की जो सौगात केंद्रीय सरकार के द्वारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दी गई है, उसके लिए मैं केंद्रीय सरकार का, यहाँ स्थानीय सांसद का और हमारे यहाँ के जो कैबिनेट मंत्री हैं श्री प्रेम सिंह जी पटेल का एवं राज्यसभा सांसद श्री सुमेर सिंह जी सोलंकी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और इस सुविधा के प्राप्त होने से हमारे यहाँ के लाखों जो आदिवासी भाई हैं वो मनोरंजन के लिए, उनको जो पहले अभी रिचार्ज करवाना पड़ता है वो रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, उनका पैसे की बचत होगी। और जो ट्रांसमीटर यहाँ से कितने ही जो चैनल्स हैं वो ऐप के माध्यम से जो अपना मोबाइल है या डायरेक्ट इंटरनेट के माध्यम से उनको डाउनलोड किया जा सकता है। और ऐसी इसके साथ साथ FM रेडियो की सुविधा उपलब्ध होने से कई सौगात हमारे आदिवासी क्षेत्र को मिलेगी। तो इसके लिए मैं पुनः मतलब धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। आपने कौन
अपने को तो सर उसमें नेता बदी है जो आप और अच्छा मतलब बहुत बड़ी ग्रामीण क्षेत्रों में जो आदिवासी आकांक्षी जो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर न्यूज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।